हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे हरे धनिया की चटनी और भुट्टे की पकौड़ी। भुट्टे की पकौड़ी खाने में लाजवाब होता है, झटपट बन भी जाता है। तो आइए देखते हैं टेस्टी पकौड़ी चटनी कैसे बनता है। दो भुट्टा का दाना निकाल लिए हैं, ये कटोरी से आधा कटोरी है। मिक्सर जार में 3 पीस हरी मिर्ची तोड़ के डाल दिए, आधा चम्मच जीरा डाल दिए, थोड़ा सा अदरक छील के डाल दिए, 6-7 कली लहसुन का छील के डाल दिए। अब जो भुट्टा हम छील के रखे हैं इसे डाल दिए मिक्सर जार में और इसे पीस लिए। पीसने के बाद इसे बाउल में निकाल ले रहे हैं। आधा चम्मच नमक डालेंगे, चाट मसाला आधा चम्मच डालें, कॉर्न फ्लोर 1 चम्मच डाल दिए, बेसन 3 चम्मच डालेंगे, 1 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज डाल दिए, कटी हुई हरी धनिया डालें। अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस की तरफ चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें भुट्टे के पकौड़ियों को डालेंगे। जितना एक बैच मेटेगा उतना पकौड़ी कढ़ाई में डाल देंगे, बाकी दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। पकौड़ी को कढ़ाई में डाले हुए 2-3 मिनट हो गया है, अब इन्हें पलट लेंगे। पकौड़ियों को मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर अच्छे से फ्राई करना है। पकौड़ियाँ फ्राई होकर गोल्डन कलर की हो गई हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह और पकौड़ियों को भी फ्राई करके रेडी करेंगे। सभी पकौड़ियाँ फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। अब चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में 2 हरी मिर्ची तोड़ के डाल दिए, अदरक डाल दिए कटा हुआ, 5-6 कली लहसुन का डाल दिए, नमक डाल दिए 1/2 चम्मच से कम, हरा धनिया डाल दिए। अब नींबू का रस डाल देंगे। अब पानी डाल के इन्हें पीस लिए हैं। पीसने के बाद कटोरी में चटनी को निकाल लिए। हरे धनिया की चटनी भुट्टे की पकौड़ी खाने के लिए रेडी है। खाने में लाजवाब होता है। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।